अस्सलामुअलैकुम 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 दोस्तों, अज दा साडा विलाग है पलाली मरुंडा दे बारे दे विच कि ओह किवें बढ़दी है और ओह किवें तैयार कीता जांदा और मार्केट दे विच किवें सेल कीता जांदा। तो मेरी बैक साइड तुसीं देखदे पियो सो कि इह मरुंडा तैयार करन दा तरीका है। इह कढ़ाई चढ़ी होई है और इक कारीगर ने इहदे विच जिहड़ा है ओह गुड़ भी पा दित्ते। इहदे विच पानी ते गुड़ जिहड़ा इह मिक्स कीता वैसे इंदा जड़ा है वह पत्त बनाया वैसे। तो दोस्तों आओ आप भाई ने पूछ दिया जेडे इतना के मालिक हैं जेडे ये पलाली मरुंडा तैयार करें दें उन्होंने आप गपशप भी करें दें और ये बनावण का तरीका भी सीखते हैं। तो वीवर असं हूँ मौजूद हूँ फैज भट्टी साहब के नाल जेडे मरुंडा और एक पलाली भी सरेंदे बाज जगह को शिरणी भी सरेंदे अक्सर एक मरुंडा आख्या वेंदे। तो फैज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फैज भी? खैरियत है? ठीक हो? ठीक शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे ख्याल अजकल मरुंडा है पलाली का बड़ा सीजन है तो तुसा काफ़ी मसरूफ मसरूफ लगते पे हो और मेरे को दस्सो कि ये जी पैकिंग करें पे हो ये कितने इन पीस होंगे एक पैक है? एक पैक 40 पीस होंगे। 40 पीस जी। ये कितने का एक पैकेट है? ये पैकेट है 130 रुपए का। 130 रुपए का जी। अच्छा सिर्फ कोई दस्सो कि ये मरुंडा तैयार करने वास्ते इन क्या क्या चीज़ पानी पड़ी है क्या क्या शायद होंगी? अगर कोई स्पेशल कोई बंदा अपना तैयार कराना चाहते मेवा पावन चाहते कोई तो किवें आर्डर तैयार करवा सकते? बिल्कुल बादाम पै सकती है देसी घ्यू गरी किशमिश बादाम मूंगफली ये चीज़ा ये बंदा ये पवा ते ये बनवा सकते स्पेशल तैयार करा सकते। अच्छा तो सिर्फ दस्सो कि अजकल इंदा सीजन हो से अजकल इंदा बड़ा सीजन चलता पे और इन खालिस गुड़ पेंदे पे या चीनी की मिलावट भी है? खालिस गुड़ ये खालिस गुड़ तैयार करता है तो डेली तक कितने के जी तकरीबन थोड़ा जरा गुड़ है वो इस्तेमाल थी वे बढ़ रहे एक मण। व्यूअर्स फैज भाई आखते पेन कि तुम टेस्ट चेक करते देखो कि किमें है क्या वाकई गुड़ दी है या विच चीनी की मिलावट है। तो मैं ये थोड़ा फैज भाई की इजाजत नाल मैं इनका टेस्ट करे और मैं चेक करे तो दस कि वाकई एक गुड़ की तैयार की हुई है या इन कोई चीनी मिक्स है। दोस्तों माशाला बहु लजीज शाह है और असारे देहात असारे वसेब इसकी बहु मांग है इनको कई जबानों के बारे को पहले भी आख चुका कि इनको सराकी के शिरणी आख दिन पराली आख दिन और इनको पंजाबी जबान इनको मरुंडा आख दिन अक्सर लोग इनको शहर मरुंडा खड़े दिन और इतों काफ़ी लोग इतों तैयार कराते स्पेशल तैयार कराते वो शहरों के खेनते वेंदे और इतों असले देहात ने यह मरुंडा जी है वो दुबई तक भी वेंदी है इतनी लजीज चीज़ है। तो दोस्तों जदों तेरा आमना थी वे कोटकरम खान के पास तो एक कोटकरम खान का मरुंडा जड़ा फैज भाई का ये जरूर सुना कम सो इन जरूर टेस्ट करे सो। तो दोस्तों ये मेरी बैक साइड से देखते पे फैज भाई जड़ा है ये शीरा तैयार करेंगे पेन गुड़ का पानी का मिलावट का ये शीरा तैयार सीधा पे और ये बस तकरीबन तैयार है हूँ कुछ देर के अंदर अंदर जड़ा इन अगला अमल आप शुरू करे सूँ और इन फुली पंप से वाल जरा मरुंडा बढ़से और इनकू एक ट्रे दे विच पाता वैसे ट्रे दे विच पाते वाला जरा कटाई की वैसे तो वह अमल भी तुम्हें दिखे दूँ देख गिनो कि मैं तुम्हें को फुली दिखा देना जी फैज भाई ये फुली दसेंदे पे कि फुली मिक्स इन तो यह फुली है। अच्छा फैज भाई ये क्या तैयार की वही है फुली? चावलें की तैयार की वही है। तो दोस्तों ये जी फुली है जिन्हें मरुंडा बढ़ते तो यह चावलें की तैयार की वही है चावल तैयार करते फुली ये बिल्कुल ये फिक्की हों रेत दे भुंजा वेंदे रेत भुनते फिक्की तैयार की वही है वल ये जड़ा शीरे गुड़ दे शामिल करते वाला मरुंडा तैयार थे। बस तो ये देखो तुसा मेरी बैक साइड से फैज भाई ने शीरा तैयार करके दे और इनका कलर भी चेंज की गए और बिल्कुल जो देख गिनो बिल्कुल हम रेडी हम तैयार है हूँ फुली पाती वैसे सारे सामने फैज भाई ने जोड़े देखो इन्होंने लहा के तले रख दिए और इन फुली मिक्स करें दे पे सामने दोस्तों ये अमल थी ना पे
और सामने दिखेंगे कि यह मरूंडा किमें तैयार होंगे। यू पत्त गुड़ वाली पत्त जो फुली सटी गई है जी चावलों की तैयार की हुई है और अच्छी तरह से मिक्स किया गया। देखो ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स कर ताकि जी पत्त या जी मिठास है वह फुली दूते पूरी तरह से कवर थी वे उन कवर आ वे। तो फैज भाई ये कितनी देर तक मिक्स करें रह वे बंदा? अच्छा एक मिनट के पहले फुली तो पत्त को मिक्स कर कर देना चाहिए ना तो यह ठंडी थी वैसे। तो दोस्तों ये देखो ये ट्रे के उत्ते पाता गया और यह मल भी देखो दिखेने पे असा ये तरीकाकार भी दिखेने पे कि इंकू वाला और डिफे की मदद नाल इंकू जो फैलाया वैसे ट्रे के उत्ते ट्रे से फैला तो ये देखते पे कि रूलर भी उन्होंने लकड़ का तैयार किया हो उतुला रूलर जरा फिरया वैसे ताकि ये पूरा ट्रे पूरा फैल वजे सही तरीके से फैल वजे। तो ये देखो दोस्तों फैज भाई रूलर भी उसके चले पे मरूंडे उत्ते ताकि पूरी तरह ट्रे फैल वजे। फैज भाई एक किलो कितने किलो गुड़ है ते कितने किलो जो फुली तैयार की गई है? अच्छा सवा किलो गुड़ विवर्स एक किलो जोड़ा है वह फुली पाती पी है और इन कितने पैकेट तैयार की फैल भाई? चार पैकेट और एक पैकेट उसका कितने का सेल करें जो 130 रुपए का एक पैकेट। तो दोस्तों सवा किलो गुड़ एक किलो जोड़ा फुली मिक्स की पीती है और उनके चार पैकेट तैयार किए गए चार जो पैकेट हैं वो 130 रुपए का एक पैकेट जोड़ा वो सेल किया गया। दोस्तों ये फुली ये मरूंडा बनावन का एक अमल है ये तरीकाकार है फैज भाई ने आप दिखे से। तो दोस्तों उम्मीद करें कि तुम्हें बहु पसंद आया उसे और इनके लास्ट के बच्चे तुमको असाई की कटिंग भी दिखे दूँ कि जो रूलर के जरिए उतू कटर है वो किमें फैज भाई को कटर फिरे सन और इनकी कटिंग करे सन। अच्छा फैज भाई कितनी देर के दे अमल कर देना चाहिए रूलर फेर देना चाहिए कटिंग कर देनी चाहिए? अच्छा ताज़ी इनकी कटिंग करनी पी है तो अगर ये सुक वे हवा लग वे तो भला इनकी कटिंग न थी से। तो हम दोस्तों एक सौ ये कटर है ये फैज भाई के हाथ से हम कटिंग का अमल जारी है तो ये हम कटिंग भी तो दिखने कटिंग थी पी है। दोस्तों देहात बेहतरीन जड़ा है यह सौगात है सारे देहात कोट करम खान या बाकी भी देहात तैयार की जाती है लेकिन स्पेशली कोट करम खान फैज भाई तैयार करेंगे और अगर कोई बंदा स्पेशल तैयार करावन चाहे अपना जोड़ा मेवा जात वो पावन चाहे तो वह भी इतना आर्डर तैयार करा सकते। तो दोस्तों उम्मीद करना सा विलाग अज का तुमको बहुत पसंद आया उसे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो कमेंट्स करे सो और सब कुछ दसो इजाजत वसलाम।